हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। दिस केस सिनेरियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर इंड एस 32107 एंड 109। विच मेजर कोकिकोनो प्रेफरेंस शेयर्स वेदर प्रेफरेंस शेयर इज ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी। सो लेट अस सी डेटा गिवन इन दिस सिनेरियो। सो वी आर गिवन दैट इक्विटी लिमिटेड हैज इशूड प्रेफरेंस शेयर्स टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस। एंड प्रेफरेंस शेयर इज एनी शेयर दैट हैज सम प्रेफरेंशियल राइट इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर्स। दीज प्रेफरेंशियल राइट्स मे बी राइट टू ए फिक्स्ड डिविडेंड और इट मे बी अ राइट टू अ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी और इट मे बी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी एसेट्स। विच इज आल्सो कहा गया शेयर विद सच राइट्स आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फर्दर गिवन प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल विद ए फिक्स्ड रिटर्न मीन्स डिविडेंड टैक्स मे बी कुमुलेटिव मैंडेटरी और नॉन कुमुलेटिव विच इज कहा गया डिस्क्रिशनरी। तो ये आपको डिफरेंट फीचर्स मैंशन किए हैं प्रेफरेंस शेयर के। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू इवेल्यूएट वेदर प्रेफरेंस शेयर इशू बाय पीक्यू लिमिटेड तो रिप्रेजेंट इक्विटी ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल लाइबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट इन डिफरेंट केसेज। अब आपके पास डिफरेंट केसेज हैं तो आपको देखना है कि जो प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी ट्रांजेक्शन है या फिर आपकी फाइनेंशियल एसेट मानी जाएगी। तो नाउ लेट अस सी डिफरेंट केसेज। नंबर वन केसेज, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स बट रिडेम्पशन इज एक ऑप्शन ऑफ होल्डर। तो लेकिन सी अब देखो डिफरेंट टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हम शो कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में नॉर्मली क्या होता है, आपकी दो ऑब्लिगेशन होती हैं। एक को कंपनी ने फिक्स डिविडेंड पे करने हैं, एक में लेकिन सी वट इज यू ऑब्लिगेशन टू पे। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कंपनी हैज टू पे फिक्स डिविडेंड एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर, इट मीन्स टू पे रिडेम्पशन वैल्यू। आपको पे करनी है रिडेम्पशन वैल्यू ऑन मैच्योर की। इट मीन्स व्हेन कंपनी हैज टू पे फिक्स डिविडेंड एवरी ईयर और कंपनी हैज टू पे रिडेम्पशन वैल्यू ऑन मैच्योर की। इफ एनी ऑफ दी फीचर्स इज प्रेजेंट सो दिस और बोथ आर प्रेजेंट देन इट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बट इफ देयर इज नो फिक्स ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड, नो फिक्स ऑब्लिगेशन टू रिडीम ऑन मैच्योर की, यानी एक ही तरीके है कि इक्विटी ट्रांजेक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपको डिफरेंट प्रेफरेंस शेयर्स हैं मेंशन किए हैं। नंबर वन आपको मेंशन किया है कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किए हैं विच आर रिडीमेबल एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स ताकि दिस इज एक ऑप्शन ऑफ होल्डर, एक ऑप्शन ऑफ होल्डर। होल्डर मीन्स जो इन्वेस्टर है। सो इन दिस केस कंपनी हैज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड, कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा जबकि उसकी रिडीम नहीं होंगे और रिडेम्पशन भी आपको पे करनी पड़ सकती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑप्शन किसके पास है, होल्डर के पास, इन्वेस्टर के पास है। इट मीन्स कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू रिडीम ऑन मैच्योर की। सो इट मीन्स दिस इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानी जाएगी, इट इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी है या फिर आपकी फाइनेंशियल एसेट है। एंड लेट अस राइट विच ऑप्शन इज करेक्ट। इस केस में देखिए आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको मेंशन किया है सेकंड, क्योंकि गिवन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एंड डिविडेंड इज नॉन कुमुलेटिव बट रिडेम्पशन इज एक ऑप्शन ऑफ इशूअर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें जैसे आपको मेंशन किया है सेकंड केस, दिस इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके सो आफ्टर 5 ईयर्स। बट इसमें आपको ये भी मेंशन किया है कि जो डिविडेंड है आपका सो दिस इज नॉन कुमुलेटिव, रिडेम्पशन है आपकी मीन्स वेदर कंपनी है टू रिडीम ऑन मैच्योर के नोट, उसकी जो ऑप्शन है दिस इज एक ऑप्शन ऑफ इशूअर। सो रिडेम्पशन ऑप्शन, रिडेम्पशन इज एक ऑप्शन ऑफ इशूअर।
means since dividend there is no accumulation. It means if company will not pay dividend, so we can say there is no obligation. तो डिविडेंड की कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी। रिडेम्पशन भी इशू जो कंपनी ने इशू किए हैं उसकी ऑप्शन के ऊपर है कि आपने इसको रिडीम करना है या नहीं करना है। इट मीन इट मे बी परपेचुअल आल्सो। इट मीन्स रिडेम्पशन की भी कोई ऑब्लिगेशन इसमें नहीं है। सो वी कैन से दैट इन दिस केस कंपनी नो ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड और टू रिडीम ऑन मेच्योरिटी। सो देयरफॉर इट इज नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये फिर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। सो इट इज नॉट फाइनेंशियल लाइबिलिटी बट इट विल बी ट्रिकली आई के इक्विटी ट्रांजेक्शन। तो इट इज इक्विटी। इट मीन्स इनडायरेक्टली जो हमें कैश मिला है फ्रॉम इशू प्रेफरेंस शेयर वो हम परमानेंट यूज करेंगे जिसके अंगेंस्ट हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो देयर फॉर इट इज इक्विटी ट्रांजेक्शन है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज यू करेक्ट। सो नेक्स्ट वी हैव थर्ड केस इज तो प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स बट डिविडेंड आर एट डिस्क्रिशन मीन्स नॉन कुमुलेटिव ऑफ द इशूअर। तो आपको मेंशन किया है ये आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बट जो डिविडेंड है आपका दिस इज नॉन कुमुलेटिव। इट मीन कंपनी कैन अवॉइड पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिकॉज दिस इज नॉन कुमुलेटिव। उसमें डिविडेंड की कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है बट ये रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर्स इट मीन देयर इज ऑब्लिगेशन टू पे वैल्यू ऑन रिडेम्पशन और ऑन मेच्योरिटी। सो देयर फॉर इट इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो ये भी आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानी जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर बी। देन वी हैव फोर्थ केस इज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स बट डिविडेंड इज मैंडेटरी विच इज क्यूमुलेटिव। अब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम की इशू किए हैं रिडीमेबल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वीज आर आफ्टर 5 ईयर्स एंड बट डिविडेंड इज आल्सो मैंडेटरी। डिविडेंड इज मैंडेटरी। मैंडेटरी होता है कि कुमुलेटिव यदि कंपनी इस साल नहीं पे करेगी उसको नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड एंड कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू रिडीम ऑन मेच्योरिटी। सो देयरफॉर इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो दिस इज नॉट इक्विटी ट्रांजेक्शन। अगेन करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ केस। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एंड डिविडेंड्स आर कुमुलेटिव बट पेबल ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें देखो मेंशन किया है प्रेफरेंस शेयर्स आपके जो हैं लेकिन से पीएस प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं आपके आफ्टर 5 ईयर्स बट डिविडेंड्स आपके कुमुलेटिव हैं। डिविडेंड्स कुमुलेटिव बट पेबल ऑन लेकिन आपके कुमुलेट हो रहे हैं तो उनको पे करना पड़ेगा अपने ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जब कंपनी लिक्विडेट होगी। तो आप देखेंगे कि इक्विटी क्या होती है जो अपने इक्विटी कैपिटल रेश किया है उसकी हम रीपेमेंट करके आगे कहें लिक्विडेशन। तो इट मीन्स जब हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर आपकी रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर तो रिडेम्पशन वैल्यू को आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये को ऑब्लिगेशन राइज हो गई है बट डिविडेंड की समझो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि वो आपने पे करने हैं ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। इट मीन कह रहे हैं कि नो फिक्स टू ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड बट सिंस वन फ्यूचर इज प्रेजेंट कि आपने रिडेम्पशन करनी है उन मेच्योरिटी पे सो देयर फॉर इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो इट इज नॉट अ इक्विटी ट्रांजेक्शन। अगेन करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो सिक्स्थ केस इज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स बट डिविडेंड्स आर नॉन कुमुलेटिव एंड पेबल सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ए कंडीशन। उसमें देखो आपको मेंशन किया है तो प्रेफरेंस शेयर जो हैं आपके सो वीज आर रिडीमेबल सो आफ्टर 5 ईयर्स बट आपको मेंशन किया है कि जो डिविडेंड्स हैं आपके नॉन कुमुलेटिव हैं। डिविडेंड्स नॉन कुमुलेटिव। नॉन कुमुलेटिव मीन्स एकुमुलेट नहीं होंगे बट पेबल सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन। पर ये आपने पे करने हैं पेबल ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन। इतने जब डिविडेंस आपके नॉन कुमुलेटिव हैं और वो कंडीशन के बेस पे पे होंगे तो कंपनी कैन अवॉइड टू पे डिविडेंड। सो इट मीन देयर इज नो फिक्स ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड बट दीज आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। इट मीन्स देयर इज ऑब्लिगेशन
टू पे कैश ऑन मेच्योरिटी। सो जब दोनों में से एक भी फीचर आपका प्रेजेंट है, सो इट इज यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानी जाएगी। और आपकी कोई करेक्ट ऑप्शन है, जिसे ऑप्शन नंबर बी। देन हियर सेवन केसेज, सो कंपनी है के इशू जो परपेचुअल मीन्स नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बट डिविडेंड इज मैंडेटरी। अब आपको मेंशन किए हैं कि प्रेफरेंस शेयर आपके हैं परपेचुअल, कंपनी है इशू जो परपेचुअल होते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बट डिविडेंड जो है आपका वो कंपल्सरी है, डिविडेंड इज मैंडेटरी। उस केस में डिविडेंड तो आपको पे करने ही करने हैं, उसकी ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है, वो पे डिविडेंड इन कैश। बट ये परपेचुअल हैं, इट मीन्स रिडेम्पशन की आपने कोई अमाउंट पे नहीं करनी है, जैसे लाइक इक्विटी। बट इफ देयर इज सम ऑब्लिगेशन कि आपने डिविडेंड पे करने हैं रेगुलरली, तो देयरफॉर इट इज यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो दिस इज नॉट इक्विटी ट्रांजेक्शन, इट इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अगेन करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी अंडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद इंड एस 32107 and 109। पर के कॉपीज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।